तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियो ने इस लेडी से कहा था कि जितने पैसे लगेंगे मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हर हाल में मुझे उस लेडी से मिलना है। तब इस प्लेस के ओनर कह दिए कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन पहले आपको ये बताना होगा कि आप उस लेडी के लिए कितना स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि वो लेडी आज तक किसी भी विजिटर से नहीं मिली है, इसीलिए उसे मनाना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। जिस पर नियो कहता है कि वेल, आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस उस लेडी से मिलने के लिए ये 3 स्टार स्टोन कार्ड्स देने के लिए रेडी हूँ और मेरे ख्याल से ये आपके लिए काफी होगा। तब स्टोरी लाइनर बताता है कि स्टार स्टोन कार्ड इस कॉन्टिनेंट में यूज होने वाला एक कॉमन करेंसी है, जिसे किसी बड़े खर्च के रूप में हमेशा यूज किया जाता है। और अब शॉपिंग किया था कि ये तो वही अमाउंट है जिसे मिस वॉन ने तुम्हें दिया था, तो क्या अब तुम उस डीमन क्वीन हैसा से मिलने के लिए सारे पैसों को खर्च कर दोगे? जिस पर नियो कहता है कि अभी इन पैसों से ज्यादा जरूरी डीमन क्वीन हैसा से मिलना है। और अब इन स्टार कार्ड्स को देखते हुए ये लेडी बहुत ही ज्यादा खुश होती हुई कहती है कि यंग मैन, इतने पैसे तो हम एक महीने में भी नहीं कमा सकते, इसलिए अब आप आराम से हमारे शो को एंजॉय कीजिए, मैं बस थोड़ी ही देर में उस लेडी को आपसे मिलवाने का प्रबंध करती हूँ। और फिर ये लेडी अपने मन में कहती है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, लेकिन आखिर ये किस रॉयल फैमिली से बिलोंग करता होगा? जिस पर अब इस लेडी के हाव भाव को देखते हुए नियो कहता है कि मेरे ख्याल से मिस वॉन ने मुझे सच में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट दिया था, लेकिन चूंकि मैंने पहले कभी करेंसी का यूज नहीं किया था, इसीलिए शायद मुझे इनकी ट्रू वैल्यू नहीं पता थी। तब नियो के पास इतने पैसे देख के अब आसपास मौजूद लड़कियां भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होती हुई कहती है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा रिच है, और मैंने पहले कभी इतना रिच पर्सन नहीं देखा था, जो सिर्फ एक डांसर से मिलने के लिए 3 स्टार कार्ड जिनकी वैल्यू 30 लाख सिल्वर कॉइन से भी ज्यादा है उसे भी बिना एक पल सोचे खर्च कर दिया। तब दूसरी लड़कियां भी कहती है कि वाकई में ये लड़का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जिस पर तभी इन लड़कियों की बातें सुनकर सामने बैठा एक लड़का बहुत ही जेलस होते हुए कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे सामने लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अपने कुछ गिने चुने हुए पैसों का शो ऑफ कर रहा है, क्या उसे नहीं पता कि मास्टर साहब के सामने शो ऑफ करने का क्या नतीजा होता है? तब नियो कहता है कि देखो, तुम जो कोई भी हो, खामखा मुझसे उलझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझसे दूर रहो। जिसे सुनकर ये लड़का अब और भी ज्यादा गुस्से में कहता है कि क्या तुम मास्टर साहब को नहीं जानते? और फिर ये लड़का अपने स्पेयर को निकालते हुए कहता है कि बच्चे, मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना ही होगा ताकि तुम इस सिटी के होने वाले लॉर्ड को पहचान पाओ। तब सुगोंग नियो को बताता है कि इस लड़के का नाम साओ तेनहाई है, जो इस सिटी की जनरल मास्टर साओ का बेटा है, इसलिए ये अपने फादर के पावर के दम पे हमेशा घमंड में डूबा रहता है और अपने अलावा बाकी लोगों को किसी कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करता है। जिस पर अब ये लड़का कहता है कि तुम घटिया लोगों की इतनी हिम्मत की मेरे सामने मेरी ही चुगली कर रहे हो। और फिर ये लड़का सीधे अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम दोनों को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तब इसे आता हुआ देखकर नियो स्माइल करता है और इसके अटैक करने से पहले ही अपने टेलीपोर्टेशन की पावर से गायब हो जाता है, जिसे देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि क्या इसके पास भी स्टार पावर्स है? तब नियो तुरंत इसके पीछे अपेयर होकर इसे एक बहुत ही फनी किक मारता है, जिसकी वजह से ये लड़का सीधे दूर जाके गिरता है। और फिर नियो कहता है कि चलो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम अभी भी यहाँ से भाग सकते हो। जिस पर ये लड़का बहुत ही गुस्से में कहता है कि क्या तुम मुझे मौका दोगे? और ये कहकर ये लड़का अपने एक बहुत ही पावरफुल मूव को क्रिएट करने लगता है और क्रिएट करते हुए कहता है कि अब तुम मेरे साथ फैमिली की असली पावर देखोगे। जिसके बाद ये लड़का इस अटैक को सीधे नियो के ऊपर कर देता है, जिसका नाम डेविल 15 स्पेयर था। लेकिन नियो तो बड़े आराम से सिर्फ अपने पैरों का ही यूज करके इस अटैक को बहुत ही अच्छे तरीके से झेल लेता है। तब ये लड़का कहता है कि अच्छा, तो तुम भी किसी पावरफुल फैमिली से ही बिलोंग करते हो, जिन्होंने तुम्हें बहुत ही कम एज से इस लेवल के अटैक्स को सिर्फ फिजिकल बॉडी से डॉच करना सिखाया है। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे फादर भी सिटी के जनरल हैं और जनरल साओ के फैमिली में सभी पावरफुल मूव्स की कमी नहीं है। तब नियो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने फैमिली का सबसे पावरफुल मूव यूज क्यों नहीं करते? मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी फैमिली में कितना पावरफुल मूव एग्जिस्ट करता है। जिसे सुनते ये लड़का सीधे अपने एक बहुत ही पावरफुल मूव के साथ नियो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब इस अटैक को देखते ये लेडी कहती है कि मास्टर साहब, प्लीज रुक जाइए, इस अटैक की वजह से ये पूरा बिल्डिंग ही तबाह हो जाएगा। और अब इस अटैक के टकराते ही यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से नियो के साथ साथ इस पैलेस का छपरा ही उड़ जाता है। जिसे देखते हुए ये लड़का कहता है कि ये मेरे साफ फैमिली का स्पेशल मूव था, जिसका यूज मेरे फादर किसी भी टफ चीज को डिस्ट्रॉय करने में करते थे और इसके इम्पैक्ट से तो एक स्टार लेवल का कल्टीवेटर भी नहीं बच सकता। जिस पर अब ये लेडी रोते हुए इस लड़के के पास आती है और फिर इससे कहती है कि यंग मास्टर साहब, आपने ये क्या किया? अब भला मेरे इस खूबसूरत पैलेस की भरपाई कौन करेगा? तब ये लड़का कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं फादर से कह के तुम्हारे लिए एक नया पैलेस बनवा दूंगा। जिस पर इधर ये लोग भी बातें करते हुए कहते हैं कि वो लड़का कितना इनोसेंट था, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि उसने ये मास्टर साहब से पंगा लिया। तब ये देखकर सुकोंग अब गुस्से में कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने मेरे लॉर्ड को मारा। जिस पर ये लड़का बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम क्या कर लोगे? क्या तुम भी अपने लॉर्ड का रिवेंज लेने के लिए मेरे ऊपर अटैक करोगे? लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा कि अगर तुमने मुझे टच करने की भी कोशिश की तो फिर मेरे फादर तुम्हें प्रिजन में डाल के कितने बुरी तरीके से टॉर्चर करेंगे। वो तो मैंने उस लड़के को इसलिए इतनी आसान मौत दी क्योंकि वो मुझे वाकई में नहीं जानता था, मगर तुम तो मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद इसके ऊपर भी एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये लड़का नीचे गिरते ही तुरंत ही यहाँ पे मर जाता है। तब ये देखकर ये लेडी अब डर के मारे बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहती है कि अब मुझे जितनी जल्दी हो सके इस कैपिटल को छोड़ के जाना होगा, वरना मास्टर साहब को जैसे ये बात पता चलेगी वो यहाँ पे
मौजूद एक एक पर्सन को ऊपर से 6-6 इंच गायब कर देंगे। और अब सुको कहता कि लॉर्ड आपने तो कमाल कर दिया, आपके बस एक ही अटैक से साफ फैमिली का ये बावली सांड पल भर में दुनिया से रुखसत हो गया। जिस पर नियो कहता की सॉरी मेरी वजह से वो तुम्हारे ऊपर पैर रखा, लेकिन सुगी मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि जो भी मुझे मारने की कोशिश करेगा उसे मैं आपसे किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग क्यों ना करता हो। जिस पर अब यहाँ पे मौजूद सारे लोग भागते हुए कहते हैं कि जनरल साव के पता चलने से पहले सबको इस सिटी को छोड़ दो, वरना वो सबके टुकड़े करके अपने पालतू कुत्तों को खिला देंगे। तब सुगोंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने वैसे भी इस प्लेस पे आके दुनिया जीत ली है, इसीलिए लॉर्ड आप टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा मैं आपके साथ हूँ। और अब तभी सबके सामने से एक परछाई गुजरती है जिसे देखकर सारे लोग हक्के बक्के से रह जाते हैं, और फिर ये परछाई नियो के पीछे आके खड़ा हो जाता है। तब नियो इसकी ओर देखते हुए कहता है कि कौन हो तुम, जिस पर डीमन क्वीन हैसा अपना फेस दिखाती हुई कहती है कि वही जिसे तुम मिलना चाहते थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे यहाँ पे बात कर पाओगे, क्योंकि बस कुछ ही देर में साफ फैमिली के गार्ड्स आते होंगे, इसीलिए अब जल्दी से बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। तब नियो कहता है कि आप तो डीमन क्वीन हो, फिर भी आप इस तरह के प्लेस में क्या कर रही हो। जिस पर क्वीन हैसा कहती है कि हाँ मेरा भी तुमसे यही सेम सवाल है, तुम तो हेवन स्टार सेक्ट के डिसाइपल हो, ऊपर से एक बच्चे भी हो, इसके बावजूद भी तुम इस प्लेस पे क्यों आए हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।